हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि जियो बाउचर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर आपके पास जियो बाउचर है तो आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि जियो बाउचर होता क्या है। तो दोस्तों, जब आप माई जियो अप्लीकेशन ओपन करेंगे तो किस इस प्रकार से जो है आपका अप्लीकेशन ओपन हो जाता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, और यहाँ पे जब आप माई बाउचर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि आपके नंबर पे कितने बाउचर अवेलेबल हैं। ठीक है, मेरे नंबर पे जो है 50 रुपये के 7 बाउचर अवेलेबल हैं। तो इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि इनका इस्तेमाल अगर आप 300 रुपये तक का रिचार्ज करना चाहते हैं, 300 के ऊपर का रिचार्ज करना चाहते हैं, तो आप तभी जो है इस 50 रुपये के बाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 300 से नीचे यानी कि 299 रुपये का रिचार्ज करते हैं या 299 से नीचे का रिचार्ज करते हैं तो आप इस 50 रुपये के बाउचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे किया जाता है, क्या है पूरी प्रोसेस, इस वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले जो है हमको सेलेक्ट करना है अपना प्लान। तो प्लान सेलेक्ट करने के लिए आप यहीं पर फिर से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिचार्ज पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमको जो है अपने ही मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करना है, तो यहाँ पे रिचार्ज योर नंबर पे क्लिक कर देते हैं। अब इसी नंबर पे हम रिचार्ज करने वाले हैं और आपको जो है यहाँ पे प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जो है 2 GB वाला पैक जो है इस्तेमाल करता हूँ, और ये 2 GB में जो ये 498 रुपये वाला रहता है 91 दिनों के लिए, इसी प्लान का मैं जो है इस्तेमाल करता हूँ। तो इसको जो है हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे नीचे की तरफ बाई की बटन मिल जाएगी यहाँ पे नीले कलर की, तो इस पर क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, और यहीं पे जो है आपको इस बाउचर का इस्तेमाल करना रहता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो अप्लाई डिस्काउंट बाउचर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है 50 रुपये वाला बाउचर को। चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे यूज़ इट का एक बटन मिल जाएगी, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है 498 रुपये का रिचार्ज किया, 50 रुपये का बाउचर लगा दिया है, तो ये डिस्काउंट होने के बाद 448 रुपये मेरे को पड़ रहा है, मतलब मेरे को 50 रुपये का डिस्काउंट मिल चुका है। अब इस बाउचर को इस्तेमाल करने के बाद मेरे पास 6 बाउचर अभी बचे हुए हैं। चलिए पूरी प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जो है हमको पैसा पेमेंट करना है। तो जिस जरिए से आप पैसा पेमेंट करना चाहते हैं उस जरिए से जो है आप यहाँ पे पैसा पेमेंट कर सकते हैं।